भाई का जलवा देखो। भाई अंदर गए बिग बॉस में, सलमान भाई बाहर आ गए बिग बॉस के। सिस्टम हिलाने गए थे, बिग बॉस का पूरा सिस्टम मिल गया। सिस्टम हिलाना था, बिग बॉस का सिस्टम बदलना नहीं था। तो फिर क्या एपिसोड में ना वीकेंड दिखाई दिया ना बाहर दिखाई दिया। एलविश एक समय पे सलमान खान के फैंस को एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहा था, अब सलमान खान के पास ही नहीं है पेशेंस। भाई आते में छोड़ के भाग गए, बट गलत है यार। सलमान भाई आधा से ज्यादा काम शूटिंग के बीच में ही छोड़ देते, चाहे वो बिग बॉस हो या हाथ से सिगरेट फेंकना। आइरोनिकली सलमान खान ने 2 हफ्ते पहले बोला था कि जो चीजें उनकी मूवीज में नहीं दिखाई जाती वो इस शो पर भी नहीं होगी। और रूमर ये भी आ रही है कि सलमान भाई ने उसी वजह से शो को छोड़ दिया। साला एडिटर, ये एडिटर लोग नहीं, मेरा एडिटर कैसे है, किसी ने मेरे को मरवाया। मेरे को एडिटर पर दया आ रही है जिसने भाई के हाथ में सिगरेट दिखा दी वाइड फ्रेम में। किससे सोचा था एक एडिटर कंपनी को करोड़ों का नुकसान करा सकता है? मेरा एडिटर नहीं करा सकता। मेरा एडिटर करोड़ का नंबर भी सही डाल देना, वही बड़ी बात है। क्या बोल रहा है तू साला? तेरे को औकात देखनी है मेरी? औकात देखनी है तेरे को मेरी? ले ले, देख 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 देख। वीकेंड का वार में सलमान भाग गए, उसके बाद मेकर्स परेशान हो गए कि अब किसको लाए। बाजू में एक संतरे वाला खड़ा था, संतरा लेके खड़ा था कृष्णा। अभिषेक उसी को बोला तू ही होस्ट कर ले। ये भाई को देखो, सलमान खान को सिंप करते करते सलमान भाई की जॉब सिंक कर दी। इसको बोलते हैं असली गोल्ड डिगर। कृष्णा अभिषेक अगर आपको नहीं पता तो कपिल शर्मा शो में लड़की बनकर आते हैं और गेस्ट को बहुत एनॉय करते हैं, बट यहाँ ऐसे करने की जरूरत नहीं क्योंकि घर में ऑलरेडी बेबी का है। बट कृष्णा भाई को डिमोटिवेट मत करो यार, तुम लोग बंदा बहुत ही टैलेंटेड है, काफी सीनियर आदमी है कॉमेडी सर्कस में। मालूम कितने साल तक उसने काम किया, अभी देखो तब जाके रियल सर्कस में आने मिला। वीकेंड का वार नाम ही तो मत सलमान खान पे सूट करता है। सलमान खान होस्ट करे तो ही नाम होना चाहिए वीकेंड का वार, बाकी कोई होस्ट करे तो वीकेंड का जार रख दो, जार में सब लोग 500-500 का नोट डालो ताकि जियो वाले बेटर होस्ट रख सके। पिछली बार भी सलमान खान ने बिग बॉस OTT बीच में से ही छोड़ दिया था, तब करण जौहर ने उनकी जगह ली थी। अब बीच में से छोड़ दिया तो कृष्णा अभिषेक ने उनकी जगह ली है। समझ नहीं रहे सलमान खान का बेइज्जती या करण जौहर का? जिस हिसाब से जा रहा है अगली बार होस्ट दीपक कलाल होगा। क्या रे बिग मंगिया, करण जौहर ने क्यों होस्ट नहीं किया? करण जौहर अपनी मूवी के प्रमोशन में बिजी है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, अमीरों का बिग बॉस, सेम ड्रामा वहां भी दिखाई दे रहा है, फर्क सिर्फ सारी की क्वालिटी का है। फिर वीकेंड का बार होस्ट करने वाले लोगों ने कृष्णा अभिषेक को पूछा कि उनका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, तो उन्होंने ये बोला मेरे को आज वो बहुत अच्छा लगा, अरे एलविश यादव मेरे को बहुत अच्छा लगा उसका, वो थोड़ा जोश में आ गया और आगे अंदर जोश भी पैदा किया सबके अंदर। दूध का जला था, छाछ भी फूक फूक के पीता है। अब पुनीत को ट्रोल करने के बाद जो इनके साथ हुआ है उसके बाद उन्होंने कपड़ों के साथ साथ टोन भी चेंज कर लिया। और ये भी रूमर जाए बीच में कि ध्रुव राठी बिग बॉस घर में आने वाले। ये क्या कर, नमस्कार दोस्त, अरे नहीं बनना है मुझे दोस्त दे रहा है। मेरे को नहीं समझ रहा है कि ध्रुव राठी को घर में क्यों ही बुलाएंगे, मतलब एक इंटरनेशनल कंटेस्टेंट ऑलरेडी है ना घर में। बट लोगों को ये सोच के मजा रहा है कि ध्रुव राठी अगर बिग बॉस में जाएगा तो एलविश यादव वर्सेस ध्रुव राठी देखने को मिलेगा। आजा, तेरा सिस्टम को आके रख दूंगा मैं। अरे बिग बॉस वालों अपना नाम बदल के यूट्यूब ही रख लो ना, पहले सिर्फ यूट्यूबर्स को शो पे बुला, अभी यूट्यूब की कंट्रोवर्सीज को भी बुला रहे हो। अगली बार क्या मेरे को और अदनान को बुलाओगे? ये आइडिया नहीं दे रहा हूँ। जिस हिसाब से एल्गोरिथम चल रहा है ना यूट्यूब का, कल उठ के हमको एडसेंस जियो सिनेमा से लेना पड़ेगा, यूट्यूब से नहीं। कुछ तो आराम करो, तुम्हारे नए नए अपडेट्स के चक्कर में इधर ठगे शो का नया एपिसोड नहीं आ पा रहा है हमारा। है बिग बॉस के घर में आएगा वो मत सोचो बिग बॉस वालों, बिग बॉस के घर के बाहर जाएगा उसके बाद क्या होगा सोचो। बिग बॉस का काला सच, 8 hidden truths ऑफ बिग बॉस। लेकिन ध्रुव भाई घर में आ गए तो लोगों को कंटेंट कैसे देंगे? घर में ना ही ग्रीन स्क्रीन है, ना ही टेलीप्रॉम्प्टर, ना ही राइटर्स। बट जोक्स अबाउट बिग बॉस की मार्केटिंग को भाई सलाम करने का मन हो रहा है। लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को समझने के लिए, इन्होंने प्लेटफॉर्म को ही एल्गोरिदम बना दिया। आए हाय हाय, कौन संभाल रहा है मार्केटिंग? साला कल को टी सीरीज भी बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट आ जाए। हाँ अगर वाइल्ड कार्ड में प्यूडीपाई नहीं आया ना मेरे चौथे चैनल का नाम बदल देना। इसको थोड़ा मैं रिस्क ले रहा हूं, भरोसा नहीं। और क्या कुछ भी हो रहा है यार बिग बॉस में, बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स को घर में सफाई रखने को बोला है। तो टास्क में एलविश ने जब जिया से पानी मांगा तो जिया ने पानी में साबुन हैंड वॉश मिला के दे दिया। अरे दीदी ऐसे नहीं मरते 99.99% जर्म्स, ये गलत है। इंटरव्यूज में आपको आपकी खूबसूरती का राज तो पूछा ही होगा, तो आपने कभी ये नहीं बताया कि जमाल गोटे में 2 चम्मच डेटॉल मिला के पीते हो? इसको बारटेंडर बना दिया ना, ऐसी चीजें मिला देगी ना लोगों के ड्रिंक में, सामने से आदमी रिहैब सेंटर में चले जाएगा। एलविश का सिस्टम बिगाड़ने निकली है, उसके पेट का समझ नहीं रहा है मेरे को। इतना अगर साबुन वाला पानी डालना दिमाग में डाल लो, दिमाग खराब है, दिमाग साफ हो जाएगा। मेरे को लग रहा है ये लोगों को टॉयलेट साफ करने में इतना जान प्यार है, ये बंदे को साबुन पिला रहे ताकि वो जब ये टॉयलेट करे बंदा तो साबुन से पूरा धुल जाए। वो तो अच्छा हो भाई ने पूरा पानी नहीं पिया, वरना बात करते करते मुंह से झाग निकले तो कौन सीरियसली लेगा बिग बॉस में। एक तो कंटेस्टेंट को मालूम ही नहीं क्या प्रमोशन हो रहा है, पूरे बिग बॉस में जुबा केसरी लगा के रखा है। ये साबुन वाला पानी पीने से जुबा केसरी होएगा? आपको पता है साबुन वाला पानी पीने और जहर पीने में क्या डिफरेंस है?
साबुन वाला पानी वो पी रहे और उसे देख के जहर हम पी रहे हैं। वो पुनीत सुपरस्टार ने मुंह पे फेस वॉश हैंड वॉश सब सर पे डाल लिया था तो उसको 12 घंटे में निकाल दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। दीदी ने कंटेस्टेंट को साबुन पिला दिया और झाग झाग बिग बॉस के मुंह से निकल रहा है। इसलिए बिग बॉस वाले इस सीजन में सोचते होंगे साले लोग राशन भेजेंगे नहीं, कोई सर पे डाल रहे हैं, कोई दूसरे के मुंह में डाल रहा है, कैसे लोग आ गए भाई। राशन के अलावा और भी कुछ है जो जिया जी को खाने नहीं मिला, भाव और फुटेज। वो स्टीरियोटिपिकल जोक पता है जब कॉलेज में लड़कियां लड़कों को तब याद करती थी जब उनके फोन का रिचार्ज खत्म हो जाता था, वो जिया ही है। क्योंकि मजाक मस्ती में फुकरा को आई लव यू बोल के काम निकलवाना आई आज के ट्रिक नहीं है, बहुत टाइम से मर्दों के साथ हो रहा है। देख लो भाई अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम पे तो आई नो। जिया ने मजाक मजाक में फुकरा इंसान को आई लव यू बोला। ये तो घर के अंदर है इसलिए भाई ने मजाक में लिया, घर के बाहर होता ना फैन समझ के कैश गिव अवे कर देता। मुझे तो लगा टेलीविजन पर सास बहू की सीरियल देखने का जमाना गया, लेकिन फिर मैंने बेबी का और पूजा भट्ट की कन्वर्सेशन सुने। पूजा किसी दिन पॉडकास्ट में गई तो उसको पॉडकास्ट नहीं बुलाएंगे, ASMR वीडियो बुलाएंगे। बोलने से ज्यादा तो सुपारी चबाने का आवाज आता है। जो भी हो चिंगम विंगम, मेरे को लग रहा है कंटेस्टेंट के बाद जा जाके ज्ञान चबाने का इंस्पिरेशन ना इनको चिंगम चबा के मिल रहा है। सभी बिग बॉस के सीजन में हमें कोई ना कोई लव स्टोरी देखने को मिलती है, पर इस बार भी देखने को मिली पूजा भट्ट और उनके चिंगम या सुपारी की या मिश्री की। भाटिया को जिस काम से अंदर भेजा था बिल्कुल उसका ऑपोजिट कर रही है। बिग बॉस जैसे एलवी शाशिका को साथ में बिग बॉस में भेजते पास में दोनों लड़ चुके हैं तो अभी क्या है, अभी फुल मारपीट हो जाएगा। लेकिन ये हो रहा है। इतना ही नहीं, आशिका भाटिया ने एल्विश को ये भी बोला कि वो उसके लिए घूंघट पहन लेगी। ठीक है मुंह छुपाना तो पड़ेगा ही, अभी क्या करें। आपने जो हरकत की है क्या था, मैं आपको जज करके ये बोल रही हूँ दैट यू आर बैड। शहद में मक्खियों को भिन भिनाते हुए देखा है, मच्छर पहली बार भिनभिना रहे। मैं फुकरा भाई को अपने वीडियोस की इतनी आदत हो गई है ना, एल्विश के लिए बिग बॉस में टिंडर वीडियो बना। एल्विश को अनकंफर्टेबल करके भाई इतने मजे ले रहा है ना, अब पता चल रहा है निश्चय ने अपना नाम ट्रिगर्ड क्यों रखा है। समझ रहे हो कि फुकरा एक्चुअली एल्विश और आशिका को ये करके चिढ़ा रहे थे। सबको चाहिए कि क्रश के सामने कोई फ्रेंड हमें चिढ़ाए, टाका भिड़ाए, लेकिन क्रश के सामने, टूथब्रश के सामने नहीं। आशिका को एल्विश के साथ फ्लर्ट करते करते देखना, मेरे को एक नया नॉलेज अनलॉक हुआ मेरे अंदर। क्यों बिग बॉस में बैठे बैठे भी स्प्लिट्सविला का ऑडिशन दे सकते हो। सब के सब कोई ना कोई स्टोरी बनाने में लगे, कोई किसी साथ प्यार से भी बात कर लेना। यही चल रहा है घर में, फुल कॉलेज लाइफ। बिग बॉस OTT है, कॉलेज है, ये सब देखना है। बजरंगी भाईजान ना देख ले। एल्विश खुद की तो सेटिंग कर नहीं रहा है, दूसरों की भी नहीं होने दे रहा है। अभी ना सोच रहा था बिग बॉस से फेम मिले ना मिले, बंदी तो मिली जाएगी। एल्विश वो भी नहीं होने दे रहे, बंदी छोड़ो बोलती बंद हो गई उसकी। बाजी हमें सरकार के अंदर क्यों नहीं मार सकते, वो संस्कार कल्चर भी कोई चीज होती है। घर के अंदर ये हमारा मेहमान है और मेहमान भगवान होता है। घर के अंदर जब तक है तब तक जिंदा है। अच्छा जी, बाकी सब लोगों के लिए क्या एल्विश वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट है, लेकिन अविनाश के लिए वो गार्डन में आते हैं ना पुलिस निपानी को पकड़ने, वो है बिचारे का होने ही नहीं दे रहे वो फलक के साथ। और बिग बॉस का हैशटैग ट्विटर पे ओ हो अविनाश और फलक का, अविनाश क्या पता क्या क्या बनाते रहते हैं। अभिषेक का और उसका बनाया था अभी जिया ऐसा कुछ। अरे क्या है, मेरे को कभी कभी लगता है ट्विटर वालों ने हैशटैग अभी तक इसलिए रखे ताकि बिग बॉस वालों का चला सके। अभिषा एल्विशा अभी, कल उठ के पूजा और बेबी का के लिए भी हैशटैग बना देगा कोई, हैशटैग नोबडी केयर्स। और रही बात जड़ की, छोड़ो जिसकी बात बिग बॉस नहीं कर रहा उसकी मैं क्या करूँ, ये पक्का एलिमिनेट होने वाला है। और क्या, काफी कीचड़ उछालने के बाद फाइनली पूजा भट्ट कैप्टन बन गई है, आई मीन घर की। और अकेली बेबी का की कैप्टन तो वो जर्नी के शुरुआत से थी, मतलब बेबी का पूजा भट्ट का वो बैक सपोर्टर है जिसके कंधे पे पैर रख के पूजा भट्ट कैप्टन बनी है। इमेजिन करो अगर ये फिनाले में आ गई बेबी का, एक मिनट इमेजिन क्यों नहीं हो रहा है। Why isn't it possible? It's just not. और कैप्टन बनते ही पूजा भट्ट ने बोल दिया कि दो से ज्यादा पराठे किसी को नहीं मिलेंगे घर में। बिग बॉस या विशेष फिल्म का सेट की इतना नहीं खाना होता बे। इस एल्विश को जब एक्स्ट्रा पराठा खाना था तो उसे नहीं मिला। पुनीत सुपरस्टार बाहर दूसरों को बांटते खाना खिलाना, पहले घर में एक वैन भेजो। राशन की दुकान के बाहर जितने झगड़े नहीं होता उतना राशन को लेके बिग बॉस के घर में होते। सारे कुशन्स पे वेफर के पैकेट बने हुए, लेकिन ज्यादा कोई खा नहीं सकता है। वो एलविश ऐसे ही सिस्टम बदलने नहीं निकला, उसको तीन पराठा मंगता ही है रास्ते में। सिस्टम रवीश जी, सिस्टम। और एलविश ने रिसेंटली ये भी बोला कि उसको घर जाना है, अभी वो होमसिक फील कर रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है भाई को जाके व्लॉग्स बनाना है, या तो भाई को डर लग रहा है कि लोकेश चैनल का नाम चेंज करके कटा लिया व्लॉग्स ना रख ले। और फुकरा फिर बहुत अंदर की इंसानियत जागी, उसने एलविश को अपने हाथ से खाना खिलाया। यार तू अंदर भी मिस्टर बीस्ट बन रहा है, यूट्यूबर से यूट्यूब चैनल छीन लो, यूट्यूबियत नहीं छीन सकते उसकी। लेकिन मैं ऐसा घर में होता ना तो मैं आने की बात करता ही नहीं वापस है। क्या ये 100 से ज्यादा कैमरा अगर तुम्हारे लिए ब्लॉग्स बना के दे रहे हैं तो आने की क्या जरूरत है।
बात तो सही है। फुकरा भी शुरुआत में बोल रहे थे कि उनको भी घर जाना है अभी, लेकिन मैं आपको बता दूं इतना भी स्ट्रगल, जितनी भी लड़ाई या जितनी भी खाने के लिए मारपीट सब हो रही है, एक टाइप से पैसे के लिए हो रही है। सलमान भाई को देखो, देख के लगता है क्या उनको होस्ट करने का मन है? नहीं, करना पड़ता है भाई, लगे 13-14 साल से। और सलमान सर वापस आए बिग बॉस में, क्या है वो दुनिया भर का पैसा लगाने के बाद जब किसी का भाई किसी की बहन क्या था वो नहीं चलती है तो करना ही पड़ता है। आई थिंक दैट्स वीडियो पसंद है, लाइक करो चैनल वीडियो तो डू सब्सक्राइब बिग बॉस पे, और वीडियो चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट से बताओ, जरूर बनाएंगे हम लोग। पिछला वीडियो हमने ईशान अली भाई पे रोस्ट वीडियो बनाया था, यहाँ पे टाइप करके देख लेना।